प्रणतार सुंदर साची, आज के दिन गुरु पूर्णिमा है। सबके मन में संशय होता है, आज ही के दिन ये पर्व क्यों मनाया जा रहा है। अभी 12 बजे हैं लगभग, सूर्य की तरफ आप देखिए तो संभव नहीं है कि आप सूर्य की तरफ अपनी नंगी आंखों से देख सकें। देखने के प्रयास में आपकी आंखें अंधी हो जाएंगी, लेकिन आज रात्रि को जो चंद्रमा उगेगा आप जी भर उसको देख सकते हैं। चंद्रमा में जो प्रकाश आया है सूर्य से आया है, सूर्य का ही प्रकाश चंद्रमा में झलक रहा है, इतनी सुंदरता से झलक रहा है कि आप घंटों देखते रहिए, आपकी आंखों को और अच्छा लगेगा। और पूर्णिमासी की चंद्रिका में जो भी पेड़ पौधे रात्रि को दिखाई दे रहे होंगे, इच्छा होगी कि जी भर करके देखते रहें और ऐसे ही बना रहे। आप समझ सकते हैं परमात्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत तेज वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सौंदर्य वाला है। मनुष्य की बुद्धि एक सीमित दायरा रखती है, वो पूर्ण ब्रह्म को प्रत्यक्ष रूप से इस नश्वर जगत में अनुभव में नहीं कर पाती। इसलिए मनुष्यों ने अध्यात्म का एक ऐसा स्वरूप चुना है जिसको गुरु तत्व कहते हैं। उस गुरु तत्व को जान लिया, सद्गुरु तत्व को जिसने जान लिया, वो अध्यात्म का पूरा रस ले लेता है कि सच्चिदानंद परमात्मा वास्तव में कैसा है, क्या है उसकी लीला, क्या है उसका आनंद, क्या है। आप सागर के किनारे खड़े हो जाइए, जिधर देखेंगे चारों तरफ सागर का जल दिखाई देगा, लेकिन सागर की था नहीं पा सकते आप। सागर के स्वरूप को समझना होगा यदि आपको, तो एक लहर, उसकी लहरें जब उछलती हैं तो उछलती हुई लहरों को देखिए, आप समझ जाएंगे कि सागर ऐसा होता है। सागर के दूसरी तरफ का तो पता ही नहीं होगा, उधर तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक लहर को आप जी भर करके देख सकते हैं। वैसे ही गुरु तत्व क्या है, एक सागर की एक लहर के समान है, जो सागर का प्रतिबिंब अपने में दिखाता है, सूर्य का प्रतिबिंब चंद्रमा में झलकता है, सूर्य का प्रकाश हमारी बुद्धि के लिए, हमारी आँखों के लिए सहन योग्य होकर चंद्रमा में झलकता है, शीतल चांदनी बिखेरता है, और हम चंद्रमा की आभा में आनंदित होकर कहते हैं कि देखो सूर्य है, तभी तो ये चंद्रमा आज सारे संसार को शीतल चांदनी दे रहा है। आजकल कुछ नई विचारधारा चली गई है, उसमें कहा जाता है कि गुरु की आवश्यकता क्या है। हम कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, आजकल तो देखिए टीवी पर योग देखने को मिल जाता है, लेकिन योग दर्शन की व्याख्या पढ़कर, टीवी पर आसन सीखकर या किताबें पढ़कर आज तक कोई भी योगी नहीं बना है। किसी देहधारी व्यक्तित्व के सामने जिसने अध्यात्म को आत्मसात किया है, उसके चरणों की सान्निध्यता में रहने के बाद वास्तविक में यथार्थ रूप से अध्यात्म का अनुभव होता है। कारण क्या है, यदि आपको परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो आप में समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का ही एक विस्तृत रूप है तारतम वाणी में, जिसको कहा है प्रेम। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा कब होती है, जब विश्वास होता है। श्रद्धा कब पैदा होती है, जब सत्य का बोध होता है। योग दर्शन का एक सूत्र कहता है कि समाज सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, परमात्मा के प्रति सर्वस्व समर्पण है तभी आपको समाधि की प्राप्ति हो पाएगी। नहीं तो आप लाख वर्षों तक आप आंखें बंद करके आसन में बैठे रहिए, कभी समाधि नहीं लगेगी। लेकिन समर्पण कहाँ से लाया जाए, देखिए आमतौर पर लोग तीन देवता बताते हैं, माता पिता आचार्य। माता की महत्ता है कि उसने जन्म दिया है, पिता की महत्ता है कि उसने पालन पोषण किया है, माता की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन इनके बिना भी काम चल सकता है।
मैं ये नहीं कहता कि इनके बिना काम नहीं चलता है, चलता है, लेकिन इनकी अनिवार्यता है तभी तो सृष्टि है। माता पिता हैं तभी नई पीढ़ी का जन्म होता है, नहीं तो कोई पैदा ही ना हो, सृष्टि का लय हो जाए। लेकिन ये तो प्रकृति की ऐसी नियमावली है कि सृष्टि सर्जन होता ही रहेगा। आप देखिए पशु पक्षी जितने हैं इन भी प्रजनन क्रिया होती है, ये चाहे कि हम आने वाली पीढ़ी को जन्म न दें तो संभव नहीं है। मनुष्य जाति हो और आगे प्रजनन क्रिया रुक जाए कभी संभव नहीं है, किंतु यदि गुरु न हो तो क्या होगा, कभी किसी ने सोचा है? इस देश में हजार वर्षों तक की गुलामी रही है, क्यों? क्योंकि गुरुओं ने ज्ञान देना बंद कर दिया था। ज्ञान के अभाव में भारतवर्ष सो गया था। जैसे आप लोग जितने हैं, आपको बचपन से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं तो क्या करेंगे आप? क्या आपका व्यक्तित्व तो आगे बढ़ सकता है? माता पिता तो जन्म देकर पालन पोषण करके आपको मनुष्य की शक्ल निर्धारित कर देंगे, किंतु आप वास्तव में मानो तो तब बनेंगे जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। इसलिए यदि गुरु तत्व की अनदेखी कर दी जाए तो क्या होगा, समस्त सृष्टि से पछता का ही साम्राज्य हो जाएगा, कोई मानव नहीं कहला सकेगा। हम वेद ने कहा है कि हे मनुष्य तू मनुर्भव, तू मनुष्य बन। मनुष्य कैसे बनेगा? ज्ञान से। ज्ञान से ही मनुष्य की श्रेष्ठता है। ज्ञान हटा दीजिए तो उसमें और पशु में क्या अंतर होता है? लेकिन इतिहास साक्षी है, आज दिन तक किसी गुरु ने अपने शिष्य को नहीं मारा है, शिष्यों ने गुरुओं को मारा है, धन के लोभ में या किसी षड्यंत्र के तहत। दयानंद को उनके ही रसोइये ने जहर दिया। दयानंद ने कहा अरे भाई ये पैसा ले जाओ, अब भाग जाओ नेपाल, नहीं तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। जो जहर देकर मार रहा है उसको दयानंद 20 पैसा देकर भगा रहे हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उनके ही शिष्य के दिए हुए भोजन से। पहला कौर जब चखा बुद्ध ने तो समझ लिया कि ये तो विष हो गया है, लेकिन मेरे शिष्य ने इतनी श्रद्धा भाव से दिया है, सोचे कि इसको मैं मना कैसे कर दूँ, सारा भोजन निकल गए अपने शिष्य की श्रद्धा के लिए। शंकराचार्य की मृत्यु कैसे हुई? उन्हीं के दो शिष्य थे जो पहले जैन थे, सोचे कि इनको कैसे मारा जाए, उनकी शिष्य बने, सेवा करने लगे और उनके भोजन में जहर बना दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई? उन्हीं के शिष्य धृष्टद्युम्न ही तो मारा। यदि द्रोणाचार्य चाहते तो पांचों पांडवों को भी मारने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये पांचों पांडव मेरे पुत्र के समान है, मैं इनको नहीं मारूंगा। ईसा मसीह को किसने गिरफ्तार करवाया? उनके शिष्यों नहीं करवाया। लेकिन गुरु तो प्रकाश में चलता है, वो शिष्य का सपने में भी बुरा नहीं करता। हाँ आजकल कलयुग में जो गुरु पद पर ऐसे व्यक्तित्व भी बैठे हैं जो धन का शोषण करते हैं और सब चीज़ों का शोषण करते हैं, गुरु शब्द ही कलंकित हो जाता है, उसको कहते हैं गुरुडम। लेकिन सच्चा जो पथ प्रदर्शक है, वो जिसको राह दिखाता है, उससे कुछ नहीं लेता। श्रद्धा और समर्पण कैसे कोई सीखेगा, हम इतिहास के कुछ पन्नों में पलटते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति गुरु की सान्निध्यता में रहता है, सेवा करता है, उसके आदेशों पर चलता है, तो उसमें विनम्रता का गुण विकसित होता है, उसके प्रति श्रद्धा रखता है, तो ये श्रद्धा उसको समर्पित करने की भावना सिखाती है। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं सीखेगा, कौन सा ध्यान कर लेगा, कौन सी भक्ति कर लेगा, संभव नहीं है, समाधि तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। शिवाजी ने कहा, शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि मुझे सिंघनी का दूध चाहिए। आप लोग होते तो क्या करते? आप लोग कहते हैं कि गुरु जी पागल हो गए हैं, सिंघनी का दूध कहीं लाया जाएगा? लेकिन वो छत्रपति शिवाजी हैं, कहा कि गुरुदेव की आज्ञा है कि मुझे सिंघनी का दूध चाहिए, तो मुझे चाहिए। और एक सिंघनी के पास चले जाते हैं। सिंघनी से कहते हैं कि माता मैं अपने गुरुदेव के आदेश से आया हूँ, तो मुझे दूध दुहने दो। और सचमुच सिंघनी लेट गई। सिंघनी ने प्रहार नहीं किया, तलवार से तो दूध निकाल नहीं सकते थे जबरन,
कोई आपको भेज रहा है तो सोचिए, उसको विश्वास है, कोई गुरु समर्थ गुरु अपने शिष्य का बुरा सपने भी नहीं सोच सकेगा। समर्थ गुरु रामदास क्यों चाहेंगे कि मैं अपने शिष्य को सिंघनी के हाथों मरने के लिए भेज दूं, लेकिन नहीं। ये तो परीक्षा थी। एक बार होता क्या है, एक गुरु के कई शिष्य होते हैं, शिष्य में ईर्ष्या पैदा होती है कि अमुक व्यक्ति ही प्रिय क्यों है, हम क्यों प्रिय नहीं है। ये आमतौर पर स्वाभाविक चलता है। समर्थ गुरु रामदास से भी कहा गया कि आप जब देखो तब शिवाजी का ही नाम लेते हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, आपके चरण दबाते हैं, आप तो हमको कभी पूछते भी नहीं, नाम भी नहीं लेते। समर्थ गुरु रामदास चुप रहे। अचानक एक दिन बहुत जोर जोर से कराहने लगे, कहने और उन्होंने घाव बांध लिया था, पट्टी बांध ली, कहा कि देखो भाई मेरे एक बहुत घाव हो गया है, इसमें विष हो गया है, अब तो मैं तभी जिंदा रहूँगा इस घाव को कि विष को कोई पी ले, नहीं तो एक दो दिन में मैं मर जाऊँगा। अब जितने पैर दबाने वाले शिष्य थे सोचे कि ये तो बहुत बुरी बला टली, बला आ गई, हम गुरुजी की जान बचाने के पीछे अपने क्यों जान दें। धीरे धीरे सारे खिसक गए जो कहते थे कि गुरुदेव आप शिवाजी का नाम क्यों लेते हैं, हमको कभी पूछते नहीं। शिवाजी को पता चला कि गुरुदेव याद कर रहे हैं। शिवाजी आए, पूछे कि गुरुदेव क्या बात है, कहते हैं कि शिवाज देखो मुझे घाव हो गया है, लेकिन जो इसको चूसेगा वो मर जाएगा। कहते हैं कि गुरुदेव शिवा तो है ही आपके लिए। वो मना करते रह गए, जबरन कपड़ा हटाकर घाव चूसने लगे। घाव तो था नहीं, वहाँ तो आम चूस बांध रखा था परीक्षा लेने के लिए। सारे नकली शिष्य भाग गए और शिवाजी ने सारा आम चूसा और वही वरद हंस दिया कि शिवा तू महान बनेगा, और शिवा ने हिंदू धर्म की रक्षा की। यदि श्रद्धा नहीं होती, समर्पण नहीं होती, तो छत्रपति शिवाजी महान छत्रपति नहीं बन पाते। आप सोचिए, चाणक्य ने यदि चंद्रगुप्त को कहा कि तुम्हें वे वस्त्र पहनने हैं दिव्य वस्त्र, इसके लिए तुम्हें पहाड़ की चोटी से छलांग लगाना पड़ेगा नीचे कई तार पानी में, तो सारे अंबिक वगैरह जितने थे सारे भाग चले। चाणक्य के आदेश पर चंद्रगुप्त कहता है कि मैं अपने आचार्य के लिए, अपनी माँ के लिए दिव्य वस्त्र पाने के लिए मैं छलांग लगाऊँगा, और बिना सोचे समझे छलांग लगा देता है। तो परिणाम क्या हुआ, युद्ध में चंद्रगुप्त एक साथ 20 व्यक्तियों से लड़ सकता था, चंद्रगुप्त को कोई हरा नहीं सकता था। इस श्रद्धा ने चंद्रगुप्त को कहां तक पहुंचाया? चाणक्य ने चंद्रगुप्त से क्या लिया था? चाणक्य के पास क्या था? जीवन भर चाणक्य ने जौ की रोटी खाई, गाय का दूध किया, वो भी स्वयं विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, जो उसे मिलता था वही से उनका खर्च आता था, राज्य से एक रुपया भी चंद्रगुप्त से नहीं लिया व्यक्तिगत जीवन के लिए, और एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बना दिया। आप सोचिए, यदि चंद्रगुप्त के जीवन में चाणक्य नहीं आते तो चंद्रगुप्त क्या बन पाते, और यदि चंद्रगुप्त के अंदर वो श्रद्धा और समर्पण का गुण विकसित नहीं हो पाता तो चाणक्य भी क्या कर सकते थे। अध्यात्म में यही होता है, आप कितने ग्रंथों के विद्वान बन जाएं, लेकिन आप योगी नहीं बन सकते जब तक आप किसी योगी की सान्निध्यता में अपने अहंग का विसर्जन न कर दें। नारद जी चारों वेद वेदांग पढ़ने के पश्चात सनत कुमार के पास जाते हैं। सनत कुमार पूछते हैं कि नारद जी आप क्या क्या पढ़े हैं? नारद जी बताते हैं कि मैं चार वेद, चार उपवेद, छह अंग सब पढ़ा लिया हूँ। क्यों जाने की जरूरत है? क्योंकि ज्ञान अधूरा है। तुलसीदास जी ने रामायण में एक बहुत अच्छी बात कही है, गुरबिन भवनित तरे न कोई, जो शिव बिरंच सम होई। यदि कोई ब्रह्मा और शंकर जी के समान भी शक्तिशाली हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, तो भी उसमें पूर्णता तब तक नहीं आती, भवसागर से तब तक पार होने का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता जब तक उसको किसी का मार्गदर्शन न मिले। क्योंकि आप देखिए, जो व्यक्ति धन से बड़ा होता है, पद से बड़ा होता है,
गुरु के सामने जाने पर उसका सिर झुक जाता है यदि, तो समझ लीजिए उसने बाजी जीत ली। और यदि वो अपने पद पैसे धन का अहंकार प्रदर्शित करता है तो समझ लीजिए कि उसने जीती हुई बाजी हार दी। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक बार समर्थ गुरु रामदास जा रहे थे, रास्ते में उनके शिष्यों को गन्ना चूसने की इच्छा हो गई। कुछ शिष्यों ने गन्ने के खेत में के गन्ने तोड़ लिए और किसान ने देख लिया। किसान आया, शिष्यों की भी पिटाई की और समर्थ गुरु रामदास की भी पिटाई कर दी उसने। रामदास कुछ नहीं बोले, ये नहीं परिचय दिया कि मैं शिवाजी का गुरु हूँ। ये महानता होती है। एक दिन वह किसान किसी कारण से राजमहल में गया और देखा कि समर्थ गुरु रामदास ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और शिवाजी महाराज उनके चरण छू रहे हैं। किसान तो समझ गया कि अब तो मुझे फांसी के फंदे से कोई बचा ही नहीं सकता। मुझे तो मालूम नहीं था कि ये शिवाजी के गुरु महाराज हैं और मैंने तो इनको गन्ने से पीटा है। समर्थ गुरु रामदास ने कोई वर्णन नहीं किया, शिवाजी को कुछ पता नहीं चलने दिया कि यह व्यक्ति ऐसा है और इसने मुझको डंडे से पीटा है। आप सोचिए क्या महानता है। शिवाजी चाहे हो, चाहे महाराजा छत्रसाल जी हो या चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अर्जुन हो, संसार में कोई भी आगे बढ़ा है तो अपने पथ प्रदर्शक के निर्देशन में ही आगे बढ़ा है। इस सृष्टि में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो ये कहता है कि मैं अपने बल पर सारा ज्ञान ग्रहण कर लूँगा, अपने बल से समाधि प्राप्त कर लूँगा। यदि वो कहता है कि मैं अपने बल से बिना किसी से मिले, बिना किसी के निर्देशन में समाधि तक पहुँच जाऊँगा, तो वो उसका अहंकार बोल रहा होता है। समाधि में जो सबसे बड़ी चीज़ है अपने अहं का विसर्जन, वही तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इन मय में डुब्या सब कोई, याको पार न पावे कोई, याको पार सो पावे, जाको मुतलक बख्शीश हो। जिस पर राज्य की सबसे बड़ी कृपा होगी वो क्या होगा, उसका अहंकार चला जाएगा, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने धन का। और जिसने इसको छोड़ दिया उसने बाजी मार ली। मैं आपको वैदिक परंपरा का कुछ उदाहरण बताता हूँ। एक गुरुकुल में एक बालक था आरुणि, जैसे अपना ज्ञानपीठ है, उस समय भी ऋषियों के बड़े बड़े आश्रम हुआ करते थे और उन आश्रमों में विद्यार्थी विद्या ग्रहण किया करते थे, कुछ सेवा कार्य भी होता था। ऐसे ही बरसात का मौसम था, गुरुदेव ने आरुणि को आदेश दिया कि देखो आरुणि, बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, जाकर देखो अपनी जो फसल खड़ी है धान की, उसमें ज़्यादा पानी ना आ जाए। आरुणि गया, गुरुदेव अपने कक्ष में जाकर के सो गए। पूरी रात वर्षा हो रही है, आरुणि ने बहुत प्रयास किया कि मैं पानी की बाढ़ को रोकूं, लेकिन पानी था कि बढ़ता ही जा रहा था। अंत में वह आरुणि मेड़ के पर सीधे लेट गया कि मैं लेटा रहूं ताकि ये पानी अंदर घुसने न पाए और गुरुदेव का आदेश मिथ्या न जाने पाए। पूरी रात लेटा रहता है, वर्षा हो रही है। आप सोचिए आप होते तो क्या करते। सवेरे गुरुदेव खोजते खोजते आते हैं, देखते हैं कि आरुणि तुम पूरी रात ऐसे ही मेड़ पर लेटे रहे। कहा कि गुरुदेव आपका आदेश था कि पानी रोकना है, तो मैंने सोचा कि पानी रोकना है, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या होना है। तो परिणाम क्या हुआ, आरुणि एक महान विद्वान बना। उपमन्यु की कहानी है। इस सभा में ऐसा कोई भी नहीं है जो उपमन्यु के पद चिन्हों पर चल सके। देखिए उनके गुरुदेव आदेश देते हैं कि इतनी 100 गायें ले जाओ और तुमको इतने समय के अंदर इतनी संख्या बढ़ाकर लाना है। वो गायें दिन भर चलाता है, फिर धीरे धीरे उतनी गायें हो गई। गुरुदेव पूछते हैं कि उपमन्यु बताओ तुम क्या भोजन करते हो। कहता है कि गुरुदेव मैं भिक्षा तो मांगने के लिए आपने मना कर दिया है, जो बछड़े गायों को गाय का दूध पीते समय जो झाग गिरती है उसको मैं पी लेता हूँ, और कुछ वन में जो कंदफूल मिलता है वो खा लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा
तुम तो बछड़े बछड़ों का अधिकार ले लेते हो, बछड़े जानबूझकर तुम्हारे लिए दूध गिरा देते हो झाग, अब तुम्हें उसको भी नहीं पीना है। कहता है कि जो आदेश। ऐसा करके कई माह बीत जाते हैं, फिर गुरुदेव पूछते हैं कि तुम क्या खाते हो। कहते हैं कि गुरुदेव वनों में जो भी मिल जाता है मैं खा लेता हूँ। तो कहता है आदेश हुआ कि नहीं तुम्हें वो भी फल भी नहीं खाना है। आप सोचिए, ना शब्द उसने सीखा नहीं, और उपमन्यु एक दिन आग के पत्ते भ्रमवश खा लिया क्योंकि भूख लगी थी, वो गाय का दूध नहीं पी सकता था। देखिए कितनी ईमानदारी, इतनी गायें हैं, बछड़े जी भर कर दूध पी रहे हैं, दूध दूहने वाला कोई नहीं, चाहता तो दूध पी सकता है लेकिन गुरु का आदेश कि दूध नहीं पीना है, नहीं पीना है। जो ज़मीन पर झाग गिरा है उसको भी नहीं पीना है, भिक्षा भी नहीं मांगनी है। अंत में आग के पत्ते खाने से वो अंधा हो जाता है, पूछ पकड़ करके गायों का चल रहा होता है। एक दिन भ्रमवश गाय के पीछे चलते चलते कुएं में गिर जाता है। गुरुदेव को पता चलता है, पुकारते हैं उपमन्यु कहाँ हो, और खोजते खोजते आते हैं, देखते हैं कि उपमन्यु तो कुएं में गिरे हैं। अब सोचिए, उपमन्यु पुकार लगाते हैं कि गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। ऋषि आते हैं, उपमन्यु को गले लगाते हैं, कुएं से निकलवाते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं, और जानते हैं उपमन्यु को क्या गौरव प्राप्त हुआ। योगेश्वर श्री कृष्ण का गुरुदेव बनने का सौभाग्य उपमन्यु को प्राप्त होता है। निष्काम कर्मयोग की शिक्षा योगेश्वर श्री कृष्ण ने उपमन्यु से ली थी। यह है श्रद्धा और समर्पण का फल। ज्ञानपीठ को स्थापित हुए 16 वर्ष हो गए और लगभग 200 बच्चे आए होंगे। 200 बच्चों में 30-35 ही दिखते हैं, सब चले गए। क्यों? किसी को सर्विस करनी है, किसी को कुछ करनी है, किसी को क्रिकेट खेलना है, किसी को कुछ करना है, माया ने बुला लिया। आप सोचिए, भगवान बुद्ध के पास कई कई हजार भिक्षुक रहते थे, कई कई हजार शिष्य थे, महावीर स्वामी के साथ थे, श्री जी के साथ 5000 सुंदर साथ अपना घर द्वार छोड़कर हमेशा अकेले चलती है। उन्होंने भी भीख मांगे, जगह जगह कष्ट झेले। यदि वो अवस्था आज होती तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ 5 भी होते, शायद 2 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान बुद्ध के साथ तो ये होता था कि जाओ भाई भिक्षा मांग लाओ, ज्ञानपीठ में तो सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता। तो आप सोचिए, महान व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ से होगा? हमारे पास त्याग नहीं है। भगवान बुद्ध के पास कौन था? अरे 8 साल का तो उनका सगा बेटा था, जिसको बुद्ध ने क्या किया कि सिर मुड़वाकर कह दिया कि बेटे तू सन्यासी बन जाए, यही मेरे लिए तुम्हारी विरासत है। क्योंकि यशोधरा ने कहा कि पिता से अपना उत्तराधिकार मांगना, बुद्ध कहते हैं कि मेरा उत्तराधिकार तो यही है कि मैं जैसे भिक्षुक सन्यासी हूँ तुम भी बन जाओ। जितनी माताएं हैं अपने बच्चों को चुपके से फोन करके बुलवा लेती हैं, अरे बेटे तू अब तू बड़ा हो गया है, अब आ जा, क्योंकि शादी करनी है, बहू लानी है, पैसा कमाना है। जितने बच्चे गए हैं अधिकतर को उनकी माताओं ने, उनकी बहनों ने फुसला फुसला कर माया के लिए बुलाया है। आज कोई धर्म पर चलने वाली माता बहुत कम ही दिखाई देती है जो अपने बच्चे को कहे कि तुम महान बनो, विद्वान बनो, त्यागी बनो, तपस्वी बनो। माताओं को भी क्या चाहिए? केवल धन चाहिए, उनको बहू चाहिए, पैसा चाहिए। वो भी तो है, यशोधरा भी तो है, जो अपने बेटे को कहती है कि जा बेटे अपने पिता से अपना उत्तराधिकार मांगो, और जब 8 साल का बच्चा सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाता है तो यशोधरा को कोई दुख नहीं होता है, वो खुद भी सन्यासिनी बन जाती है। आप सोचिए, जो यशोधरा महलों में रहने वाली थी अध्यात्म के ज्ञान पर चलने के लिए, वो स्वयं भिक्षुणी बन जाती है, वो भी घर घर जाकर भिक्षा मांगती है। तब तो बौद्ध धर्म फैला था, हमारी वाणी क्यों नहीं फैल सकी है? क्योंकि हमारे पास त्याग ही नहीं है, तुम वाणी को कैसे फैलाएंगे? अभी बात चल रही थी कि गुरु की आवश्यकता क्या है। आप किताबें पढ़ लेंगे, उसको पढ़ करके बढ़िया से प्रस्तुत कर सकते हैं,
लेकिन वास्तविक ज्ञान उसके उसका आपके आचरण में तब तक नहीं आएगा जब तक किसी की सानिध्यता में आप सेवा नहीं करेंगे, उसके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे। तब तक आप आंखें बंद किए रहिए, आपका ध्यान भी नहीं लग सकता, क्योंकि आपने तो विनम्रता सीखी नहीं, अपने अहं का विसर्जन सीखा नहीं, आपने किसी के अंदर परब्रह्म की आभा का अनुभव नहीं किया। जैसे मैंने आपको कहा, रात के समय, अभी गुरु पूर्णिमा का आज दिन है, रात को देखिएगा चंद्रमा कितना शीतल दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश किसका है उसमें, सूर्य का। गुरु पूर्णिमा मनाने का त्यौहार का अर्थ क्या है, हम गुरु तत्व को समझें। प्रायः शिष्यों में एक बात होती है कि हमारे गुरुजी सबसे बड़े और तुम्हारे गुरुजी बहुत छोटे, इसका कारण क्या है, हम गुरु तत्व को नहीं जानते हैं। संसार में जिससे भी ज्ञान मिला है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए थे, उन्होंने एक वैश्यत्व को गुरु बना लिया, अजगर को गुरु बना लिया, पक्षी को गुरु बना लिया, जिससे देखा कि इस शिक्षा मिल रही है उसी को गुरु बना लिया। दत्तात्रेय ने देखा कि एक वेश्या जो है रात को अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है व्याकुल होकर, सोचा कि इतनी व्याकुलता से मैं परमात्मा की भक्ति करूं तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। उन्होंने वेश्या से भी शिक्षा ग्रहण की, अजगर से भी शिक्षा करी ग्रहण की कि ये अजगर जो है कभी भागता नहीं है, शांत होकर बैठा रहता है, जो मिलता है खा लेता है। तो हम भी दिन रात हाय तोबा क्यों मचाएं। एक एक व्यक्ति से उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया और दत्तात्रेय महान योगेश्वर बने। हमें जीवन में जिससे भी शिक्षा मिलती है उसका सम्मान करना चाहिए। एक बात याद रखिए, आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो उसका अपमान भी मत कीजिए। आपके जीवन में अनेक व्यक्ति आएंगे जो आपका पथ प्रदर्शन करेंगे, आप सबका सम्मान भरपूर न कीजिए, लेकिन अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से कभी भी अपमान न कीजिए। आप इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं, सारी पृथ्वी का धन अपने घर ला सकते हैं, लेकिन यह याद रखिए, आपको अध्यात्म का सच्चा पथ प्रदर्शक मिलना कठिन होता है। और यदि आपने अपने पथ प्रदर्शकों का ही अपमान करना प्रारंभ कर दिया तो समझ लीजिए, चाहे आप पृथ्वी के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो, आपके पतन की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाती है। मैं इसको गुरुनम नहीं कह रहा हूँ, गुरु तत्व का अर्थ ही है कि जो आपको अंधेरे से उजाले में ले जा रहा है, आपने उसी गुरु तत्व का अपमान कर दिया। शरीर तो बदलते रहते हैं, जैसे आज हैं अपने पोते को गोद में खिला रहे हैं, आपको मालूम है कि एक दिन आप भी किसी के पोते थे और आप भी अपने दादा की गोद में खेले थे। जिस बच्चे को आप पोता मानकर गोद में खिला रहे हैं, एक दिन वो भी दादा बनेगा और वो भी अपने पोते को खिलाएगा, ये तो परंपरा है। ज्ञान का प्रवाह जो चल रहा है वो किसके माध्यम से चल रहा है, सूर्य को, सूर्य में प्रकाश जो है वो चंद्रमा में आता है, चंद्रमा से कई पदार्थों में प्रकाश जाता है। यदि सूर्य में ही प्रकाश न हो तो चंद्रमा को प्रकाश क्या मिलेगा। इस तरह से सबसे परम गुरु कौन है, एक परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत ही सबके सतगुरु हैं। इसलिए वाणी में कहा है, सतगुरु मेरा श्याम जी। उस ज्ञान के प्रकाश को सबसे पहले सतगुरु धनश्री देवचंद जी के माध्यम से प्रसारण हुआ सुंदर साथ में, उसके पश्चात महामती जी के द्वारा सब सुंदर साथ के लिए परम धाम की वाणी अवतरित हुई। ये दोनों स्वरूप श्री राज जी के हैं, राज जी ने इन दोनों तनों में विराजमान होकर लीला की। परम धाम की आत्माओं को ये छठे दिन में शोभा दी गई कि तुम ब्रह्मवाणी के ज्ञान को ग्रहण करो और सब सुंदर साथ को परम धाम की राह दिखाओ। जो शोभा सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी की है, श्री प्राणराज जी की है, वो शोभा किसी को नहीं हो सकती। लेकिन हर ब्रह्मात्मा के धाम हृदय में कौन बसता है, आपका प्रिय प्राणेश्वर अक्षरातीत तो बसता है। आप किसी भी सुंदर साथ का अपमान न कीजिए, जहाँ से भी ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है आप यदि सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भी न कीजिए। जीवन में आपको प्राइमरी की कक्षा में भी किसी ने पढ़ाया होगा, मिडिल क्लास में भी, बीए में भी किसी ने पढ़ाया होगा, सबका सम्मान कीजिए।
आप छोटे बड़े की भावना रखकर किसी का अपमान, किसी की ज़्यादा महिमा गाने में यदि लगे रहते हैं तो आप राग द्वेष की भावना करते हैं। ये तो सच है। जब आपके सामने कोई कॉलेज का प्रोफेसर जिसने आपको पढ़ाया जब वो आएगा तो आप उसका सम्मान ज़्यादा करेंगे ही, लेकिन ऐसा तो नहीं कि प्राइमरी का टीचर जिसने आपको पढ़ाया है आपसे मिलने के लिए आए तो दरवाजे से भगा देंगे। आखिर बचपन में उसने भी तो आपको पढ़ाया है। ये परंपरा क्यों बनाई गई? क्योंकि मनुष्य यदि आने वाले पीढ़ियों को ज्ञान में बनाए रखना चाहता है तो ज्ञान के जो पथ प्रदर्शक हैं उनके प्रति सम्मान की भावना रखेगा तो संसार में ज्ञान का प्रवाह बना रहेगा। एक प्रश्न आता है कि गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर है? गुरु वह है जो हमें अंधेरे से उजाले में ले जाता है। आप गुरु के दिए हुए ज्ञान के बदले क्या देते हैं? कुछ धन दे देते हैं, कुछ सेवा कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो वाणी में राज्य ने परमधाम का ज्ञान दिया है, यदि वाणी नहीं होती तो आप 100 अरब रुपए खर्च कर लेते तो भी कोई परमधाम मूल मिलावे के बारे में बताने वाला था? आप कह सकते हैं कि वाणी तो हम खुद पढ़ लेंगे, आप पढ़ लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन महामती जी का तन नहीं होता, उस तन से वाणी नहीं अवतरित होती तो पहले तो आपको पढ़ने को नहीं मिलती। मान लीजिए कि आपको पढ़ने के मिल गई, आपने किसी भी ब्रह्मुनि के साथ सानिता में रखकर परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी हुए, सरकार श्री हुए, जवाहर दास हुए, मंगल दास जी हुए, किसी के पास रहकर आपने कुछ तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, आप इन परमहंसों में ही ऊंचा नीचे की भावना कर दें तो आप किसका अपमान कर रहे हैं? सभी ब्रह्मात्माओं का। यदि आप कहते हैं कि मैं तो सारी चौपाइयों को याद कर लिया हूँ, 18,758 चौपाइयाँ याद कर लिया हूँ, मैं कई भाषाओं में इसको सुना सकता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी के पास सिर झुकाने की, तो एक बात बताइए, आपकी बुद्धि ने ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन जब आप किसी को अपने से श्रेष्ठ मानेंगे ही नहीं तब तो आपके अंदर का अहंकार जाएगा ही नहीं, और जब तक अहंकार जाएगा नहीं आपके अंदर प्रेम का रस आएगा ही नहीं। जब तक आपके अंदर प्रेम का रस नहीं आएगी आपको चितवनी में राज्य के दर्शन कैसे हो सकेंगे? जो जितना महान होता है उतना ही विनम्र होता है। आप देखिए युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे, ऋषि थे, उनके चरण धोने की सेवा किसने ली? स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने। और जूठी पतल उठाने की सेवा भी किसने ली? योगेश्वर श्री कृष्ण ने। खुद मांग कर लिया कि सबकी जूठी पतले मैं उठाऊँगा और सबके चरण मैं धोऊंगा। यहाँ जितने सुंदर साथ हैं, आप में से किसी को कह दिया जाए कि आज सब लोग भोजन जो कर रहे हैं सबकी जूठी थाली आपको उठानी है, सबका चेहरा तमतमा जाएगा कि क्या मैं यही काम के लिए हूँ क्या? ऐसा मत सोचिए। आप जितने विनम्र बन गए समझिए कि आपने उतनी ही बाजी जीत ली। सतगुरु की सानिध्यता में जो गुण विकसित होता है श्रद्धा और समर्पण का, योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यत, जिसके हृदय में संशय भरा होता है वो नष्ट हो जाता है। आप किसी परमहंस की सानिध्यता में हैं, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी तो 5वीं क्लास भी नहीं पढ़े थे, उनके पास कोई एमए पढ़ा हुआ आता और कहता कि महाराज जी आप तो 5वीं भी नहीं पढ़े हैं, मैं एमए तक पढ़ा हूँ तो आप मेरे से बड़े थोड़े हैं, आपकी जगह मैं बैठूँगा, तो क्या होता? भाई उसने तो एमए की पढ़ाई दुनिया की पढ़ी है, महाराज जी ने तो समाधि में बैठकर उस सत्य को देखा है। लेकिन महाराज जी ने जिसके सिर पर हाथ रख दिया, जिस पर कृपा कर दी, वो तो अनपढ़ भी पढ़ा लिखा हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है? आप कितना पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, कितने पैसे वाले हैं, इस सारे अहंकार को यदि आप छोड़ देते हैं तो आप महान बनते हैं। लेकिन आप यदि अपनी महिमा गाते रहें कि मेरे जैसा कौन है संसार में, तो आप सोचिए आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति में खाई खोद रहे हैं। आप समाधि तक नहीं पहुंच सकते, आप अध्यात्म के चरम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो पहली आवश्यकता है अपने अहं का विसर्जन, वही वस्तु अध्यात्म में सफलता की सीढ़ी है। और इसलिए चाहे योगी राज श्री कृष्ण हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, आप देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम
सवेरे उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं, वन में जाते हैं, ऋषियों के चरणों में शीश झुकाते हैं। और क्यों? क्योंकि वे महान हैं। वन में जाकर ऋषियों के चरणों में शीश झुकाते हैं, ये नहीं कहते कि ऋषि मुनियों तुम कैसे रह रहे हो हमारे राज्य में, तुम मेरी कृपा से पल रहे हो, तो क्या आज उनको कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कहता? यदि योगेश्वर श्री कृष्ण ऋषियों का अपमान करते तो क्या उनको कोई योगिराज कहता? महान कौन होता है? जो दूसरों का सम्मान करना सीखता है, जो विनम्रता ग्रहण करता है। इसलिए यदि आप समाधि को पाना चाहते हैं, अध्यात्म में ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी के सामने अपने को नतमस्तक करना ही पड़ेगा, उससे प्रेरणा ग्रहण करनी पड़ेगी। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। अभी शशांक जी ने प्रश्न किया कि वास्तव में सद्गुरु कौन है। देखिए, सद्गुरु का तात्पर्य है सद्गुरु साधु वाको कहिए जो अगम की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। ये माया है उल्टी, इन उल्टी से उल्टाए के, माया से परे होकर पिया प्रेमे करे सन्मुख। हमारी आत्मा का जो प्राणेश्वर है उसका साक्षात्कार करा दे, उसको कहते हैं सद्गुरु। यह सामर्थ्य हमारे गुरुजनों में नहीं होती, जिन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया है, महाविद्यालय की शिक्षा दी है या संस्कृत पढ़ाया है, उन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ाया है। लेकिन जो हमारी सुरता को इधर से हटाकर परम धाम की तरफ करते हैं, उसको सद्गुरु माना जाता है। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी हुए, सरकार श्री हुए, जो भी ब्रह्मणि आत्माएँ हैं जिनकी सानिध्यता में हमने सीखा है कि चितवनी कैसे करनी है, श्रद्धा कैसे करना है, समर्पण कैसे करना है, ये जो गुण है ये किसी विश्वविद्यालय में सीखने को नहीं मिल सकते। विश्वविद्यालय में हमें किताबें पढ़ाई जा सकती हैं, भाषाएं सिखाई जा सकती हैं, ये तो किसी परमहंस की सानिध्यता में सीखने को मिलती है। और इसलिए केवल बौद्धिक ज्ञान ही सर्वोपरि नहीं होता। आप अंग्रेजी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, गुजराती नेपाली जानते हैं, वाणी की चौपाइयों को पढ़कर आप उसको कई भाषाओं में व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करके आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप गुरु कहलाएंगे। लेकिन जब तक आप खुद चितवनी में डूबेंगे नहीं, चितवनी में डूबकर राज्य को देखते नहीं, दूसरों को साक्षात्कार कराने में अग्रणी भूमिका नहीं निभा सकते, आपके धाम हृदय में जब तक युगल स्वरूप की छवि नहीं बसती है, तब तक आपको सद्गुरु की शोभा नहीं मिल सकती। मूल सतगुरु कौन है? राजजी। एक बात आती है, कई सुंदर साथ कह देते हैं कि राजन जी भाई सतगुरु कहलाने लगे। देखिए भाई, न तो मैं गुरु हूँ न सतगुरु हूँ, मैं तो एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। मैं ये जानता हूँ कि ज्ञान के सागर में मैं एक बूंद भी नहीं हूँ, और मैं तो जब से जन्मा हूँ जब तक मेरा तन रहेगा मैं विद्यार्थी ही बना रहूँगा। इसलिए इस विवाद में न पड़िए, मैं जीवन में कभी भी सद्गुरु नहीं बनूंगा, गुरु भी नहीं बनूंगा, मैं तो अध्यात्म का राही हूँ। हाँ, यदि मेरे मुख से कुछ सत्य निकल जाता है, आपकी अंतरात्मा साक्षी देती है, तो उसको ग्रहण कर लीजिए। आपको जो झूठ लगता है उसको छोड़ दीजिए। आप इस पचड़े में अपनी ऊर्जा क्यों लगा रहे हैं? मैंने तो कभी भी यह दावा नहीं किया कि मैं गुरु बनने के योग्य हो गया हूँ। मैं तो सबको कहता हूँ कि देखो भाई, जहाँ परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के चरण पड़ गए, मैं वहाँ की धूल का एक कण भी नहीं हूँ, और यदि धूल का एक कण भी बन गया तो मेरे जीवन का सौभाग्य है। आप सब चितवनी में महाराज जी का ध्यान कीजिए, जिसकी आस्था सरकार श्री पर है सरकार श्री का ध्यान कीजिए, जवाहर दास जी का कीजिए, मंगल दास जी का कीजिए। मैं भी तो आपकी तरह का हूँ। जब मुझे मालूम है कि 18 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था, अब 54 साल का हो गया, जीवन का एक लंबा अवसर गुजर गया 36 सालों का। हाँ, मैंने सत्य की खोज में अपना जीवन लगाया है। थोड़ी बहुत जो कुछ सत्य मुझे मालूम है मैं बताने का प्रयास करता हूँ, चाहे साहित्य के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। मेरे वाक्य को सद्गुरु का वाक्य न मानिए। मुझे तो जो कुछ पढ़ने को थोड़ा बहुत मिल गया, महापुरुषों के चरणों में बैठकर सुनने को मिल गया, उसको मैं सुना देता हूँ। सच्चाई कितनी है अपने विवेक से निर्णय कीजिए, और गुरु तत्व को जानिए, सद्गुरु तत्व को जानिए। आप शरीरों पर मत जाइए, शरीरों पर जाते रहेंगे तो आप राग द्वेष का एक तूफान अपने अंदर खड़ा कर लेंगे, इसमें नुकसान आपको ही होगा। क्योंकि
सागर की लहर तो लहर ही होती है, वो तो सागर की अंग रूपा होती है। बस इतना होता है कि कोई लहर आकाश में ज़्यादा ऊंचाई तक उछल जाती है तो बड़ी लहर कहलाती है, कोई लहर छोटी ही उमड़ती है तो उसको सब कोई जान नहीं पाते, लेकिन लहर तो लहर ही होती है। मुझे भी आशा है कि हो सकता है राज्य के चरणों में मेरा भी संबंध हो, तभी मुझे परम धाम का ज्ञान मिला। और मैं एक सुंदर साथ के रूप में आपसे यही कहूँगा कि आप अपने हृदय में केवल श्रद्धा और समर्पण का रस लीजिए, अपने अंदर किसी तरह का अहंकार न आने दीजिए, केवल प्रेम के रास्ते पर चलिए। राज्य ने आपको परम धाम की वाणी दी है और ज्ञानपीठ को ये शोभा है कि ज्ञानपीठ के माध्यम से पिछले 15 वर्षों में जितना साहित्य रचा गया है, पिछले 25 वर्षों में सारे समाज के स्थानों ने भी मिलकर इतना साहित्य नहीं बनाया, तो ये सब कुछ राज्य की कृपा से हुआ है, सद्गुरु महाराज की कृपा से हुआ है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं तो एक कठपुतली की तरह हूँ, जैसा उनका आदेश होता है मैं कर देता हूँ। इसलिए आप उस ज्ञान को ग्रहण कर मूल स्वरूप श्री राज्य से अपने साथ जोड़िए। ये मैं ज़रूर मैं कहता हूँ कि आज ज्ञानपीठ में सुख सुविधाएँ हैं तो काफ़ी सुंदर सा दिख भी रहे हैं। यदि बुद्ध का जमाना होता तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ वाणी की आवाज़ गुजाने के लिए, यदि भिक्षा मांग कर खाना होता तो कोई 5 भी मेरे साथ होते, लेकिन ठीक है, जो भी मेरे साथ हैं, राज्य उनको शक्ति दें कि ब्रह्मवाणी की गूंज करें, सारे संसार में सारे देश में ब्रह्मवाणी की गूंज उठे, यही मैं शुभकामना करता हूँ। और सब सुंदर साथ के लिए राज्य से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सुरता को अपने चरणों में लगाएं, परम धाम का ज्ञान दें और परम धाम की शोभा उनके हृदय में बसाएं।